नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रियाज वैष्णव और स्वागत है आपका अपने चैनल OMG में। फिर से स्वागत है दोस्तों आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की सीरीज में, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे डी मॉर्गन्स थ्योरम। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का नया टॉपिक, डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम जो है वो बहुत ही पावरफुल और बहुत ही ज्यादा यूज होने वाली बूलियन अलजेब्रा की थ्योरम है। इसको ऑगस्टिन डी मॉर्गन ने हमको डिस्कवर करके दिया था, जिसके अंदर की उसने हमको दो थ्योरम्स बताई थी। अब वो दो थ्योरम्स कौन सी है, हम एक एक करके उनको पढ़ते हैं। तो पहली थ्योरम है डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम, जो कि हमको बताती है कि x प्लस y का होल बार, मतलब कि x और y का होल बार इक्वलेंट होता है हमारे x बार डॉट y बार, x बार एंड y बार के। अब इसको हम प्रूव भी करके बताएंगे कि ये जो है हमारा बिल्कुल सही है बूलियन अलजेब्रा के लॉ के अकॉर्डिंग। तो इसको प्रूव करने के लिए हम कॉम्प्लीमेंटरिटी लॉ को फिर से याद करते हैं। उसके अंदर क्या था, x और उसका कॉम्प्लीमेंट का अगर हम और करते हैं तो वो हमेशा वन आता है, और x और उसके कॉम्प्लीमेंट का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं या फिर एंड करते हैं तो हमेशा जीरो आता है। ये तो हमेशा याद रखना। तो इन दोनों लॉ के अकॉर्डिंग हम डी मॉर्गन्स थ्योरम को प्रूव करेंगे। इसके लिए हमने एक लॉजिकल वेरिएबल ले लिया p, जो कि इक्विवेलेंट है हमारा x प्लस y के, मतलब x और y के। अब p, x और y जो तीनों जो है वो एक लॉजिकल वेरिएबल है, तीनों लॉजिकल वेरिएबल है, जिसके अंदर p जो है इक्विवेलेंट है x प्लस y के। अब कॉम्प्लीमेंटरिटी लॉ क्या होता है कि p और उसके p बार, मतलब कि p और उसका कॉम्प्लीमेंट जो होता है दोनों का अगर एंड और होता है तो वो वन की इक्विवेलेंट होता है, और p डॉट p बार, मतलब कि p एंड p बार का p बार जो होता है वो जीरो के इक्विवेलेंट होता है। तो इसके अकॉर्डिंग तीनों बूलियन वेरिएबल्स हैं p, x और y, तो कॉम्प्लीमेंट्री लॉ जो है वो इसके लिए p के लिए होल्ड करेगा, मतलब कि p के लिए सही होगा अगर x प्लस y बार जो है वो इक्विवेलेंट होता है x बार y बार, मतलब कि अगर ये दोनों हमारे सही हो जाते हैं, ये हमारा प्रूव हो जाएगा डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम जो है वो सही है। कौन से वाले, x प्लस y बार, मतलब कि इसका p का जो कॉम्प्लीमेंट है वो किसके इक्विवेलेंट हो जाए अगर हम उसकी जगह ये रख दे और हमारे दोनों कॉम्प्लीमेंट्री लॉ सही हो जाए, तो हमारा ये जो डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम है वो सही हो जाएगी। तो x p की इन दोनों के अंदर, अब इसके अंदर वैल्यूज रख दी इसने, तो p की वैल्यू क्या थी, p की वैल्यू थी x प्लस y, वो इसने यहां पे रख दी, और p बार की वैल्यू क्या होगी, x प्लस y बार, तो ये क्या हो जाएगी x बार डॉट y बार, ये इसने यहां पे रख दी और उसको इसने 1 कर दिया, 1 था इक्विवेलेंट 1। अब इसको प्रूव करना है पहले, तो फिर क्या करना है, इन दोनों का एंड, मतलब कि डॉट ऑपरेशन करना है और वो जीरो के इक्विवेलेंट आना चाहिए। ये हमारी दूसरी वाली थी। अगर ये दोनों हमारी प्रूव हो जाती है, मतलब कि हम एकदम सही रास्ते पे हैं, हमारी थ्योरम जो है वो सही है। तो चलिए इन दोनों को हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहली है हमारी x प्लस y प्लस x बार y बार इक्वल टू होना चाहिए 1 के अंदर। तो हम इसको सॉल्व करके बताते हैं कि ये हमको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट साइड लेते हैं और उसको हम 1 के इक्विवेलेंट कर देते हैं, मतलब कि राइट हैंड साइड के इक्विवेलेंट कर देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, इसको एक बार लिख लेते हैं हम। ये है हमारा x प्लस y, प्लस x बार y बार, इसको प्रूव करना है हमको 1 के लिए। तो इसको प्रूव करने के लिए पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के लिए हम यूज में लेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या था, x प्लस y z अगर हमको मिल जाता है तो वो इक्विवेलेंट होता है हमारा x प्लस y प्लस
डॉट एक्स प्लस जेड, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, आई थिंक आपको याद होगा। तो शुरू करते हैं हम इसको, ये हो गया हमारा, ये वाली चीज हो गई हमारी x, y, ये वाली हो गई हमारी y, और ये वाली हो गई z, और ये हो गया हमारा x। तो हम इसको करते हैं, तो x प्लस y, ये तो हमारा x है, इसके साथ हम प्लस कर देंगे ये वाली टर्म को, मतलब कि x बार को, तो ये निकल गया हमारा पहली टर्म। अब दूसरी क्या हो जाएगी, x प्लस वाई तो वही रहेगा क्योंकि ये हमारा x था, और इसके साथ हम लिख देंगे दूसरी टर्म को, वो दूसरी टर्म क्या है, y बार। तो इसके अंदर x है और इसके अंदर x बार है, तो ये क्या हो जाएंगे, x प्लस x बार। हमारे पास एक और थ्योरम होती है कि कोई भी x प्लस x बार है तो वो इक्विवेलेंट होता है हमारा 1 के। ये हमारी थ्योरम कौन सी है वो आप कमेंट करके बताइएगा, अगर आपको याद है तो आप बहुत अच्छे तरीके से रिमेम्बर कर सकेंगे उस चीज को, तो अगर आपको याद है तो उसको कमेंट कर बताइएगा दोस्तों। तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, x प्लस x बार 1 है तो इन दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इन दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये हो गया 1 प्लस y, इधर बचा 1 प्लस y, और इस साइड जो है वो y और y बार आ रहा है, y और y बार भी 1 हो जाएंगे, तो इधर बचेगा हमारा x प्लस 1, इधर बचा हमारा x प्लस 1। अब इसको जो है हम फिर से ओपन कर लेते हैं, ओपन नहीं करते इसको, 1 प्लस वाई जो इक्विवेलेंट होता है, 1 प्लस वाई का हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ 1 से करते हैं हम इसको। प्रॉपर्टी ऑफ 1 क्या होती थी, अगर किसी भी वेरिएबल का और होता है 1 के साथ में, किसी भी वेरिएबल का और होता है 1 के साथ में, तो वो हमेशा क्या होता है, 1 ही होता है। तो इसके अकॉर्डिंग यहां पे हमारा 1 प्लस वाई है, तो ये 1 प्लस वाई इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 के, और ये x प्लस 1 है, इसके अंदर भी हमारी ये थ्योरम लगेगी, तो ये हो जाएगा हमारा डॉट 1 डॉट 1 हो जाएगा। अब 1 डॉट 1 क्या होता है, 1 डॉट 1 भाई साहब हमेशा 1 ही होता है, ये हमारा पोस्टुलेट जो हमने पढ़े थे उसके अंदर हमने बताया। ये हमारा 1 आ गया, मतलब कि ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड, मतलब कि हमने ये प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है उसका रिजल्ट राइट हैंड साइड में बिल्कुल सही आ रहा है। ये हो गई हमारी पहली थ्योरम, जो कि हमने पहली थ्योरम नहीं, पहली थ्योरम का पहला पार्ट हुआ है। अभी एक और चीज हमको प्रूव करनी है, अगर दोनों प्रूव हो जाती है मतलब हमारी फर्स्ट थ्योरम बिल्कुल सही है। तो पहला पार्ट हमने देख लिया, अब दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं इसी का। तो दूसरी है, इन दोनों का जब एंड होगा तो वो जीरो के इक्विवेलेंट होगा हमारा, तो इन दोनों को प्रूव भी कर देते हैं कि होगा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको प्रूव कर देते हैं कि ये जो है वो जीरो के इक्विवेलेंट है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x प्लस y, डॉट x बार y बार, ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। तो इसको हम ओपन करते हैं डी मॉर्गन्स लॉ से। अब डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है मैं फिर से रिमाइंड करवा देता हूं आपको, इसके अंदर हम सेकंड वाला डी मॉर्गन्स लॉ यूज में लेंगे, मतलब कि जो था हमारा x y प्लस जेड, डी मॉर्गन्स नहीं सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, y प्लस जेड ये इक्विवेलेंट होता है हमारा xy प्लस एक्स जेड के। तो ये वाली टर्म हो गई हमारी x, ये हो गया हमारा y, और ये हो गया हमारा z। तो हमको क्या करना है, एक्स वाई प्लस एक्स जेड, तो हम लिख लेते हैं इसको। तो हमारी जो x टर्म है वो है
एक्स बार वाई बार और ये हो जाएगी हमारी वाई वाली, वाई वाली क्या है एक्स है, प्लस दूसरी है फिर से एक्स बार वाई बार, एक्स बार वाई बार और दूसरी टर्म हमारी जेड वाली है जो है वो है वाई, ये हो गया। अब इसके अंदर जो है वो आ रहा है एक्स बार और एक्स, और इसके अंदर जो आ रहा है वो आ रहा है वाई बार और वाई। तो हमारे पास एक और थ्योरम वो होती है हमारी कि अगर एक्स और एक्स बार होता है, मतलब कि दोनों का एंड होता है, तो वो इक्विवेलेंट होती है हमारी जीरो के। ये है हमारी कॉम्प्लीमेंटरिटी लॉ, ठीक है। तो हम इसको पुट करेंगे इस बूलियन इक्वेशन के अंदर, तो ये आती है हमारी एक्स और एक्स बार हो जाएंगे हमारे जीरो, और बचेगा क्या यहां पे वाई बार बचेगा, जीरो डॉट वाई बार प्लस इधर क्या बचेगा ये वाली टर्म जीरो हो गई, तो ये बचेगा एक्स बार डॉट जीरो, ठीक है ये जीरो हो गया। अब इसके अंदर क्या बचा हमारे पास, किसी भी टर्म को अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर एंड करेंगे तो वो हमेशा जीरो मिलेगी हमको, तो ये भी जीरो हो गई और ये वाली भी जीरो हो गई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जीरो प्लस जीरो जो है वो हमेशा जीरो के इक्विवेलेंट होता है, ये हमारा पोस्टुलेट्स के अंदर आता है जिसके अंदर हमने पढ़ा था लॉजिकल, और जीरो प्लस जीरो जो होता है वो जीरो होता है। तो ये वाली टर्म जो है वो जीरो हो गई, जीरो हो गई मतलब कि किसके इक्विवेलेंट हो गई हमारी, ये हो गई हमारी राइट हैंड साइड की इक्विवेलेंट, हो गई कि नहीं हो गई। तो हमने प्रूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के प्रूव है, तो हमने दोनों प्रूव कर दिए, दोनों प्रूव कर दिया मतलब कि हमारी डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम जो है वो बिल्कुल सही है। अब है क्या वो, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स प्लस वाई का जो होल बार है वो इक्विवेलेंट होता है हमारा एक्स बार डॉट वाई बार के, ये है हमारी डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम जिसको कि हमने प्रूव करके भी बता दिया। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुकी है फर्स्ट थ्योरम, अब हम सेकंड थ्योरम देखते हैं। सेकंड थ्योरम हमारी डी मॉर्गन्स लॉ की, जिसके अंदर कि ये बोलता है कि एक्स डॉट वाई का होल बार जो है वो इक्विवेलेंट होता है एक्स बार प्लस वाई बार के। इसको प्रूव करने के लिए भी हम कॉम्प्लीमेंटरिटी लॉ को यूज में लेंगे, जो कि हमको बोलता है एक्स प्लस एक्स बार जो है वो इक्विवेलेंट होता है वन के, और एक्स डॉट एक्स बार जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है जीरो के। तो सेम वही केसेस है हमारे पास, और इसके अंदर जो है ये हो गया हमारा पी मतलब कि एक्स वाई, और पी बार जो हो जाएगा वो इक्विवेलेंट हो जाएगा एक्स बार प्लस वाई बार के, अगर हमारा डी मॉर्गन्स लॉ सही है। तो ये जो है हमको इक्विवेलेंट देगा वन के, और ये जो है हमको इक्विवेलेंट देगा जीरो के। ये फिर से वही चीज है, ये हमारा पी है और ये हमारा पी बार है, ये फिर से पी है डॉट पी बार है, वो इक्विवेलेंट होता है जीरो के और ये इक्विवेलेंट होता है वन के। एक एक करके हमें फर्स्ट को और सेकंड को प्रूव कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि हमारी सेकंड थ्योरम जो है वो भी सही है। वैसे आप इसको ड्यूअलिटी थ्योरम से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम पूरा का पूरा प्रूव करके बताएंगे कि ये जो है हमारी बिल्कुल सही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके इन दोनों को भी सॉल्व करते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि हमारी डी मॉर्गन्स थ्योरम जो है वो बिल्कुल सही है। तो इसका पहला पार्ट है एक्स वाई प्लस एक्स बार प्लस वाई बार जो इक्विवेलेंट होता है वो होता है वन के। तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा एक्स वाई, इसको रीअरेंज करके ले लेते हैं, पहले आगे ये वाली टर्म ले लेते हैं पीछे ये वाली टर्म ले लेते हैं, तो ये हो गया हमारा एक्स बार प्लस वाई बार और ये प्लस आ गया हमारा एक्स वाई, ये आ गया। अब हम इसको ओपन करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है हमारा एक्स प्लस वाई जेड जो होता है वो इक्वल टू होता है हमारा
एक्स वाई, सॉरी एक्स प्लस वाई डॉट एक्स प्लस जेड। इसको हम प्रूव कर देंगे, इसको हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये आएगा हमारा एक्स बार प्लस वाई बार और ये वाला हमारा वाई, मतलब कि एक्स जो है इसके अंदर ये हो गई, ये हो गई हमारी फर्स्ट टर्म। और सेकंड टर्म है हमारी एक्स बार प्लस वाई बार प्लस वाई। अब इसके अंदर एक्स है, इसके अंदर एक्स बार है, तो हमारी फिर से एक और थ्योरम आ जाती है, मतलब कि एक्स प्लस एक्स बार, एक्स और उसके कॉम्प्लीमेंट वो इक्विवेलेंट होते हैं हमेशा वन के। इसको भी पुट कर देते हैं हम, तो ये हो जाएगी वन प्लस वाई बार और ये हो जाएगी हमारी x बार प्लस वन। अब हमारे पास किसी भी नंबर को अगर हम और करते हैं किसी भी वेरिएबल के साथ में, मतलब वन के साथ में अगर हम किसी भी वेरिएबल, कोई भी हो, x हो चाहे x बार हो, वो हमेशा इक्विवेलेंट होता है हमारा वन के। तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगी हमारी वन के और ये इक्विवेलेंट हो जाएगी हमारी वन के, तो वन डॉट वन, और 1.1 जो होता है वो पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग होता है 1, मतलब कि ये वाला जो 1 है वो इक्विवेलेंट हो गया हमारे राइट हैंड साइड के। तो इक्विवेलेंट हो गया हमारा राइट हैंड साइड के, मतलब कि हमारी जो फर्स्ट है वो हमने प्रूव कर दी कि ये हमारी सही है। अब इसको प्रूव करने के लिए हमको सेकंड को भी प्रूव करना होगा, तो चलिए सेकंड को भी देख लेते हैं हम। सेकंड है हमारी एक्स वाई डॉट एक्स बार वाई बार, वो इक्विवेलेंट होना चाहिए हमारा जीरो के, तो इसको भी प्रूव कर देते हैं हम, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है हमारी एक्स वाई डॉट एक्स बार प्लस वाई बार, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद में हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब कि x डॉट x प्लस y, x डॉट y प्लस z, ये इक्विवेलेंट होता है हमारे एक्स वाई, मतलब कि x डॉट y प्लस x z। इसको हम इसके अंदर पुट करते हैं, पुट करेंगे तो हमको मिलेगा x y, ये हमारा हो गया ये वाला x, और इसके साथ में हम और एंड कर देंगे x बार को। ये पहली हो गई, दूसरी टर्म क्या हो जाएगी एक्स वाई और y बार। तो x और x बार जो होंगे वो हो जाएगा हमारा जीरो। कैसे होगा ये होता है हमारा x डॉट x बार जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है हमेशा हमारा जीरो के। तो ये हो जाएगा जीरो और यहां पे जो है वो y y बार हो जाएगा, तो y ये भी हो जाएगा जीरो और जीरो प्लस जीरो, इसके साथ में y भी है लेकिन y का भी अगर हम एंड करेंगे तो वो जीरो ही मिलेगा, तो इसके अंदर कोई आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये जीरो प्लस जीरो जो हो गया वो भी हो गया हमारा जीरो, ये जीरो हो गया मतलब कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो पूरा जीरो हो गया, और लेफ्ट हैंड साइड जीरो हो गया मतलब कि राइट हैंड साइड जो है वो भी जीरो है, मतलब कि इक्विवेलेंट हो गया ये हमारा राइट हैंड साइड के। तो ये हमने दोनों प्रूव करके बता दिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो दोनों हमारे सही निकल गए। तो हम ये कह सकते हैं हमारी जो सेकेंड थ्योरम है डी मॉर्गन की वो भी सही है। सेकेंड थ्योरम क्या है, एक्स डॉट वाई पे जो होल बार है
वो इक्विवेलेंट होता है हमारा एक्स बार प्लस वाई बार के, एक्स बार प्लस वाई बार है ये, तो ये भी हमारा प्रूव हो चुकी है। तो दोनों हमारी प्रूव हो गई फर्स्ट और सेकंड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया तो इसको लाइक कर दीजिए वीडियो को, और गाइस अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आप ऐसा ना कहे कि ओ ले ये तो मेरा वीडियो रह गया था, तो ऐसा कहने की जरूरत ही ना पड़े हमको। तो प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और अच्छा नहीं लगा तो कमेंट कर बताएं, और रेगुलर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।